बात करेंगे चोपड़ा थाना की, जहां यातायात पुलिस ने नेत्र परीक्षण शिविर के माध्यम से यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया। चोपड़ा बस स्टैंड क्षेत्र में मंगलवार को दिनभर नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। चोपड़ा के ट्रैफिक ओसी विशिष्ट सुब्बा ने कहा कि 1 से 7 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ट्रैफिक जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। चोपड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में हम यातायात पुलिसकर्मी कभी कभी सड़क बैठकों के माध्यम से कभी कभी वाहनों के धुएं की जांच करके यातायात कानूनों पर मुफ्त सलाह देते हैं। आज चोपड़ा बस स्टैंड क्षेत्र से आम जनता के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। उस दिन लगभग 50 लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच होती है और यह नेत्र परीक्षण शिविर चोपड़ा अपंजन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा समर्थित है। देखिए रिपोर्ट। आज दिन भर आप लोगों का क्या क्या कार्यक्रम था? देखिए बेसिकली यहाँ पे चोपड़ा ट्रैफिक पुलिस और चोपड़ा अपंजन वेलफेयर सोसाइटी और वेलिटी आई केयर और लाइफलाइन डायग्नोस्टिक के एक इनिशिएटिव से आज ड्राइवर्स के लिए जो लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हैं रोज़ाना, उनके लिए एक फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया था यहीं पे ट्रैफिक पुलिस के कैंप में। और इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए था क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं वो लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हैं और लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो खुद के लिए कभी वक्त निकाले और अपने आँखों की जांच करवाएं। और एक ड्राइवर को बेसिकली 3 डिस्टेंस पे विजन की ज़रूरत होती है। एक फार डिस्टेंस पे विजन करेक्शन की, इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे विजन करेक्शन की और नियर विजन करेक्शन की। अगर इन तीनों में से एक भी विजन नॉर्मल नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके मतलब उनके लिए भी खतरा रहता है और रोड पे और भी जो लोग चल रहे होते हैं उनके लिए भी खतरा होता है। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि चोपड़ा पुलिस स्टेशन के जो SI हैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा चोपड़ा अपंजन वेलफेयर सोसाइटी को जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और वेलिटी आई केयर, वेलिटी हेल्थ केयर सेंटर और लाइफलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर, उन्होंने अपने जितने भी रिसोर्सेज थे सब कुछ प्रोवाइड किया ताकि इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जाए कैंप को। और ऑलमोस्ट 40-50 ड्राइवर्स आए थे जिनका प्रॉपर आई चेकअप किया गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इसका एक हिस्सा बन सका। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मामून रशीद, मैं वेलिटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। R9 भारत के लिए अमित जीवन रॉय, पश्चिम बंगाल। इधर करेंगे पश्चिम बंगाल के हरिरामपुर की तरफ, जहां गांव वालों ने शिकायत की है कि प्रशासन ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिरामपुर ब्लॉक में बैराठा ग्राम पंचायत के जगदला से वाया बेलुहर महेशपुर होते हुए डोलकुरा तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का रखरखाव नहीं किया है। लंबे समय तक इन गांवों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपनी जरूरतों के लिए सड़क का उपयोग करते हैं। यह सड़क इन लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन है, लेकिन सड़क काफी समय से जर्जर है जिसके लिए लोग चिंता जता रहे हैं और आने जाने में स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हरिराम इटहारा के राजकीय सड़क के जाम करने को लोग मजबूर हो गए। इस सड़क के जाम होने से कई वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह करीब 8 बजे सड़क जाम का कार्यक्रम शुरू हुआ और सड़क नाकाबंदी कार्यक्रम के चलते बिजली विभाग के वाहन व दवा वाहन जैसे आपात सेवाएं फंस गईं। पैदल चलने वालों का अलग अलग समय पर अवरोधकों से झगड़ा हो गया। इस सड़क के लंबे समय तक बंद रहने के कारण हरिरामपुर इटहार राजमार्ग लगभग अवरुद्ध रहा। देखिए आप भी विशेष रिपोर्ट। দাদা কি কারণের জন্য আজকে আপনারা পদাবরোধে সামিল হয়েছেন? আজকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা রাস্তা আছি, খুব অসুবিধায় আছি। কাদা বালি ইট পাথর কিছুই পড়ে না। বিডিও আশ্বাস দেয় 2-3 বার অবরোধ হয়েছে রাস্তা, অথচ কোনো কাজ হয়নি। বিডিও লিখিতও দিয়েছে আমাদেরকে, কাজ হয়নি, তার জন্য আজকে পদাবরোধ করছি। বিগত দিনে প্রশাসনের তরফ থেকে যে আশ্বাস পেয়েছিলেন তার কি কোনো কাজ হয়েছিল? কাজ হয়েছিল, সেটা যেটা কাজ হয়েছিল সেটা এক হাতের মতো। কোন রাস্তার যে অনুযায়ী সে দেখা যাচ্ছে যে এক হাতেই কাজ হয়েছে ওটা। তা আপনারা আগামী দিনে আর কি কি চিন্তা আপনারা নিচ্ছেন এই পদবরোধ বাদ দিয়ে? যদি না তুলে তাহলে আমরা পদবরোধ তুলবো না। রাস্তা যদি না যদি না শুনে তারপরে ভোট বয়কট করার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই রাস্তাটি কোন কোনখান থেকে কোনখান অবধি যাচ্ছে? এই রাস্তাটি জগদলা থেকে দোলকুড়া যাচ্ছে, ভায়া জগদলা টু হাতিরুবা যাচ্ছে। কতগুলো লোক যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে? এখানে প্রচুর লোক যাতায়াত করে, না হলেও মোটামুটি 20-25টা পাড়া এখানে আছে রাস্তার মধ্যে। কত আনুমানিক কতজন লোক যাতায়াত করে?
কতগুলো লোক যাতায়াত করেন? 15,000 মতন। তাহলে আপনারা এখন কি চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি যে কোনো কারণ বসতে হয়নি, তো আমরা চাচ্ছি এখন যে যাতে হোক তাড়াতাড়ি, খুব অসুবিধা হচ্ছে আমাদের বসে বলেই আমরা পদ অবরোধ করে বাধ্য হচ্ছে। হ্যাঁ বলছি দাদা, এই রাস্তার বেহাল অবস্থা, কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন আপনারা? কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে আনার জন্য কোনো ভ্যান বা রেস্কা বা গাড়ি কেউ ঢুকাতে চায় না রাস্তা দেখে, যাতে ঘাড়ে করে নিয়ে আসতে হয় রোগীকে আমাদের। সম্ভব নয় এত দূর থেকে যে রাস্তা দেখে যে ঘাড়ে করে নিয়ে আসা যায় রোগীকে। কি নাম আপনার? আমার নাম সঞ্জয় মাদাম। আজকে যে পথ অবরোধ হয়েছিল সে বিষয়ে ব্লক প্রশাসন কিভাবে সেই সমস্যাটা সমাধানের জন্য উদ্যোগী হবে? এছাড়াও আমরা পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে আমরা ওই রাস্তাটার উল্লেখ রেখেছি এবং পাড়ায় সমাধানের প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে রাস্তাটা করা যায় সেই বিষয়ে আমরা জেলার সাথে কথা বলেছি। তো এটাই মানুষজনকে বোঝানো হয়েছে, মানুষজন আশ্বস্ত হয়েছে এবং টেম্পোরারি একটা যাতে কাদাটা একটু ঠিকঠাক করা যায় সেই বিষয়েও আমরা ব্যাপারটা দেখেছি। R9 ভারত কে লিয়ে অমিত জীবন রায়, পশ্চিম বঙ্গাল।